तो सबसे पहले क्रिएटर सुपर 30 पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पहला क्लास देख लिए थे 12th का, मतलब रिलेशन का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डील किए थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। जो इस क्लास को नहीं किए थे वो वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं रिकैप करके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आज कोशिश करूंगा कि सभी टाइप के क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। मात्र 16 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन इसमें करने थे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स अपने आप से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स अपने आप से, यानी वह रिलेशन जो अपने आप से करे वह आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। दूसरा आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि हम आप से और आप हम से। और मेन है ट्रांजिटिव रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां ए का रिलेशन यहां पर ए से था, यहां ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से, और यहां पर ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तब ए का रिलेशन सी से। यानी कहने का सेंस कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होगा। अब तुम्हारे पास तीसरी इसकी स्पेशल केस होता है कि ए का रिलेशन बी से है और बी किसी से रिलेशन ही नहीं बना है, तब भी ट्रांजिटिव होगा। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसा हम लोग सोचेंगे, उसको चेक करेंगे कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। अगर यह तीनों गुण से संपन्न हो जाएगा तो वह इक्वावैलेंस रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज इक्वावैलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो अभी चूंकि क्वेश्चन हम लोग एक नंबर किए थे तो मैं चाहूं तो 2 नंबर से कर सकता हूं, लेकिन एक बार क्योंकि क्लास बहुत लोगों का छूटा हुआ है तो एक बार मैं रिकैप करना चाहूंगा। तो उसमें आपको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से चेक करवाना सिखाता हूं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो क्वेश्चन होगा वही आपके बुक में क्वेश्चन होगा, मैं आपको फिर उसको बता दूंगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या होगा, तो पहला आपको आया डिवाइड से। तो देखो डिवाइड से भी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान दो, डिवाइड से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर सपोज करो कि x माइनस वाई डिवाइडेड कुछ भी डाल दो, यह कौन सा रिलेशन होगा। तो x माइनस वाई कह रहा है, x माइनस क्या कह रहा है, y कह रहा है। और x और y, तो यानी x माइनस वाई कह रहा है 2 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, किसे कह रहा है, 2 से। तो आपको पता है कि x बराबर y होगा, x बराबर क्या होगा, y होगा। तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन काम करेगा, कौन सा काम करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और x बराबर y होगा तो x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, और जीरो जो है 2 से 0 टाइम्स में लगता है, कितने टाइम्स में लगता है, 0 टाइम्स में लगता है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यह रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे कि अगर x माइनस वाई 2 का डिविजिबल है, 2 का डिविजिबल, तो y माइनस x भी क्या होगा, 2 का डिविजिबल है। अगर ये 2 का डिविजिबल है तो ये भी आपका 2 का क्या होगा, डिविजिबल। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि 4 माइनस 2 2 से डिविजिबल है, तो क्या 2 माइनस 4 2 से डिविजिबल नहीं है, बोलिए। अब आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, एक्स वाई क्या कहता है, एक्स वाई, तो यहां पर क्या होना चाहिए, वाई एक्स, हम आपसे और आप हमसे। अब देखो तीसरा रूल होता है ट्रांजिटिव, तीसरा क्या होता है, अगर एक्स माइनस वाई 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड 2 से डिविजिबल है, तो बताओ x माइनस जेड 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, होगा।
यानी डिवाइड के केस में, डिवाइड के डिवाइड के चाहे वह टू से डिवाइड हो, थ्री से हो, फोर से हो, यानी कोई भी नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा तो वह रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। क्या क्या होगा जल्दी बताओ? रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। बोलो हाँ चाहे ना, चाहे वह इंडिविजुअल किसी से हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों होगा। बोलो हाँ चाहे ना। अब लेकिन प्रश्न देखो, तुम्हारे पास इस बुक में तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी को कहोगे तो क्या यह क्वेश्चन दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। अब देखो तुम्हारे पास क्या करना है, यह बात को जानना है। क्या करना है? यह बात को जानना, यह बात को जानना है। यह बात को कैसे जानना है? अगर तुम्हारे पास डिविजुअल की अगर हम बात करें तो डिविजुअल पांच से देगा तो बना दोगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आप अलग इक्वावैलेंस रिलेशन हैं और हम एक अलग इक्वावैलेंस रिलेशन है। क्या क्या प्रश्न है जल्दी बताओ? आप अलग इक्वावैलेंस रिलेशन है, हम एक अलग इक्वावैलेंस रिलेशन। जैसे सपोज करो कि यहां पर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, राइट? यस सर। और ये बात हुआ कि इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर की अगर एक ग्रुप में हम कर दे 2 4 6 और दूसरे ग्रुप में कर दें 1 3 5 7 तो इसका जो है ये इवन नंबर होगा कि नहीं होगा? इससे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वह क्या क्या हो सकता है जल्दी बताइए? 2 2 2 4 2 6 बोलो, 4 4 4 2 बोलो, 4 4 4 6 6 2 6 4 6 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
बोलो यस सर। यानी यह पार्टिकुलर इक्वावैलेंस रिलेशन है, इक्वावैलेंस रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी यह आपका इक्वावैलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन है? अब देखो तुम्हारे पास दूसरा जो प्रश्न है ना, वह 135 को देखो। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे और फिर बाद में बताऊंगा कि देखो तुम्हारे पास एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है। तो अभी तुम्हारे पास हमने सिखाया था रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। अब मैं जो क्वेश्चन सिखा रहा हूं, यह कोई फैमिली है, राइट? यह फैमिली दो पार्ट में टूटा हुआ है। यह है इवेन का, ये क्या है? ऑड का। अगर वहां पर जो सदस्य है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 10 है, बोलो हाँ चाहे। तो यहां इवेंट फैमिली में कौन कौन है जल्दी बताओ? 2, 4, 6, 8, 10। छोटा ही लिख दो ना, छोटा लिख दो, ई लिख दो। ऑड फैमिली में कौन है? 1, 3, 5, 7, आराम से 1, 3, 5, 7, 9। खूब बढ़िया। अब देखो ये अगर ई क्रॉस ई किया, ई क्रॉस यार मुझे 25 लिखने पड़ेंगे, कितने लिखने पड़ेंगे? 25। दया करो, ये समझो कि 25 लिखा हुआ है। और हमने कहा कि एक रिलेशन है आर वन, क्या है आर वन? क्या है आर वन? एक रिलेशन है आर वन, एक रिलेशन है, वह एक्स वाई है, क्या है? एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ई इंटू ई सी, ई
इंटू से बोलो और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इवन नंबर, एक्स माइनस वाई इज इवन नंबर, बोलो एक्स माइनस वाई इवन नंबर। हम सच सच बताइए कि दो में से दो जाएगा तो इवन बचेगा कि नहीं, दो में से चार जाएगा इवन बचेगा कि नहीं, चार में से दो जाएगा इवन बचेगा कि नहीं, चार में से छह जाएगा इवन बचेगा कि नहीं, छह में से आठ जाएगा इवन बचेगा कि नहीं, आठ में से दस जाएगा इवन बचेगा कि नहीं, बोलिए। अर्थात आप मेरे दोस्त बताइए, यह बताइए क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, अपने आप से प्यार कर रहा है कि नहीं, बोलो हाँ चाहे ना। अरे दो दो चार चार छः छः आठ आठ दस दस बोलो है या नहीं। दूसरा सिमेट्रिक पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, अगर दो में से चार गया इवन बचा तो क्या चार में से दो गया तो इवन नहीं बचा। अब बोल रहे यार, बोलो अब तुम्हारे पास ट्रांजेटिव कह रहा है, क्या कह रहा है, तो अगर दो में से चार गया इवन हुआ, चार में से छह गया इवन हुआ, तो दो में से छह गया तो इवन हुआ कि नहीं। अर्थात इवन वाला जो फैमिली है, इवन वाला जो फैमिली है, इवन वाला जो फैमिली बोलो इक्वल बैलेंस फैमिली है कि नहीं, बोलो हाँ चाहे ना। अब तुम्हारे पास ऑड फैमिली के बारे में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यानी अब यहाँ पर ऑड क्रॉस ऑड करेंगे, ऑड क्रॉस ऑड, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन करने के लिए बोलो, वन वन आएगा, थ्री थ्री आएगा, फाइव फाइव आएगा, सेवन सेवन आएगा, नाइन नाइन आएगा, बोलो हाँ चाहे ना, बोलो इसको घटाएंगे तो इवन होगा कि नहीं, यहाँ भी इवन होगा कि नहीं, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब तुम्हारे पास सिमेट्रिक चेक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ वन का थ्री, वन का थ्री, वन में से थ्री गया बोलो इवन आए कि नहीं, अगर थ्री वन करेंगे तो बोलो इवन होगा कि नहीं। अब यहाँ पर वन में से फाइव गया बोलो इवन हुआ कि नहीं, फाइव में से वन गया तो इवन हुआ कि नहीं, बोलो यहाँ वन में से सेवन गया इवन हुआ कि नहीं, सेवन में से वन गया तो इवन हुआ कि नहीं, यानी सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। अब यहाँ पर ट्रांजेटिव रिलेशन बात करेंगे, किसका बात करेंगे, ट्रांजेटिव रिलेशन किसका बात करेंगे, ट्रांजेटिव रिलेशन क्या कहता है, वन में से थ्री गया बोलो इवन है, और थ्री में से सेवन गया इवन है, तो वन में से सेवन गया तो इवन है कि नहीं। तो यानी यहाँ पर ऑड फैमिली भी जो है आपका इक्वल बैलेंस है, और इवन फैमिली भी क्या है, इक्वल बैलेंस है, लेकिन कंबाइंड कर दोगे, क्या कर दोगे, कंबाइंड कर दोगे, क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, तो यह इक्वल बैलेंस फैमिली नहीं रहेगा, यह इक्वल बैलेंस फैमिली क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इवन में से ऑड जाएगा, इवन में से ऑड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ऑड में से इवन जाएगा, ऑड में से तब भी ऑड हो जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना। इसको अपने लाइफ के प्रैक्टिकली में देख के देखो कि अगर दादाजी के आपके दो बेटे हैं, दादाजी के कितने बेटे हैं, तो एक पापा जी होंगे और एक चाचा जी होंगे, बोलो हाँ चाहे ना, तो पापा जी भी क्या है इक्वल बैलेंस फैमिली में है, चाचा जी भी क्या है, लेकिन कुछ फंक्शन वगैरह में क्या हो जाता है, एक साथ रखोगे तो कुछ न कुछ अनबन हो जाता है कि नहीं, बोले यार, उसको ज्यादा भुंजिया मिल गया, हमको कम भुंजिया मिल गया, ऐसा होता है कि नहीं, होता है। यानी कहने का सेंस मेरा ये हुआ, अभी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, क्या दो नंबर में मिलेगा, नहीं, दो नंबर में है लेस देन ग्रेटर देन, तीन नंबर में मिलेगा, नहीं, चार में मिलेगा, नहीं, पेज को पलटो, पांच में मिलेगा, नहीं, छह में मिलेगा, अब मिलने वाला है, देखो 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 देखो, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच वहां पर होगा, एक में दो चार है और एक में एक तीन पांच है, देखो मिल गया होगा, एकदम डिट्टो क्वेश्चन में करवा दिया, थोड़ा सा बड़ा करा दिया, कुछ तो आप लोग मेहनत करेंगे ना। आठ नंबर क्वेश्चन देखो, मैं आठ नंबर फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं लाइन बाय लाइन कराऊ, लेकिन आपको यहाँ पर रहेगा, अभी आप लोग सीख रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपने सीखा इवेंट होने के लिए दो से कटने वाला चाहिए, बोलो हाँ चाहे ना, और ऑड होने के लिए दो से नहीं कटने वाला चाहिए, मैंने इसमें बताया कि एक फैमिली में यह है इवेंट वाला, एक फैमिली में क्या है, तो पार्टिकुलर अगर कहोगे तो ये भी इक्वल बैलेंस रिलेशन है, ये पार्टिकुलर कहोगे ये भी इक्वल बैलेंस रिलेशन है, लेकिन दोनों को मिला दोगे
तो कंबाइंड में गड़बड़ हो जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना। ये आठ नंबर क्वेश्चन है, बोलो हाँ चाहे ना। मैं आठ नंबर क्वेश्चन बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है, आठ नंबर क्वेश्चन को मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो आठ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मोबाइल वोबाइल खन को टाइप है, यहाँ पर हम आठ नंबर है ना। तो अब तुम्हारे पास आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैमिली में एक दो तीन चार पांच इतना मेंबर है, कौन कौन है जल्दी बताओ। और वह फैमिली एक इवेंट वाला है, दूसरा अब बताइए जी, एनसीईआरटी है ना जी, एगो ए कहेगा एगो बोलो जी। तो ए के फैमिली में कौन हो गया एक तीन पांच, इसमें फैमिली में कौन हो गया दो चार, बोलो हाँ चाहे ना। तो एक तीन पांच को अगर पार्टिकुलर क्रॉस किया जाए, क्या किया जाए, तो यह रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजेक्टिव भी होगा, बोलो हाँ चाहे ना। तो एक तीन पांच के क्रॉस करवाओगे एक एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक तीन मिलेगा एक पांच मिलेगा, तीन एक मिलेगा तीन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वह रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजेक्टिव होगा, बोलो हाँ चाहे ना। और दो चार का है इवेंट की मामला किसका है, तो यहाँ पर दो चार की बात है, किसकी बात है, तो एक तरफ दो है और चार है, तो यह भी आपका इवेंट के लिए हो जाएगा, बोलो यस या नो। लेकिन दोनों फैमिली को जोड़ दोगे, दोनों फैमिली को जोड़ दोगे तो वह इवेंट नहीं रहेगा, इवेंट क्योंकि महान गणितज्ञ के मोडी बेलम साहब का कथन है, महान गणितज्ञ के मोडी बेलम साहब का कथन है, इवेंट से इवेंट घटाओगे तो इवेंट होगा, ऑड से ऑड घटाओगे तो इवेंट होगा, लेकिन अगर एक इवेंट है एक ऑड है तो ऑड हो जाएगा, बोलो यस है ना। यदि लाइक में करोगे, लाइक में करोगे, लाइक में करोगे तो इवेंट होगा, और अनलाइक में करोगे तो क्या होगा, ऑड होगा। आठ नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसी ढंग से हमको सोलह नंबर यहाँ पर दिमाग में फिट है, मैं आपको एक एक करके पेश करूंगा। तो आपको अभी पेश हो रहा है पहला आपका डिविजुअल मैंने पेश किया है, वो आपका हो गया है। अब दोबारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है वो सिंबल ऑपरेशन पर पूछता है। पढ़ा था ना ट्रिकोटोमी, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था ट्रिकोटोमी, क्या पढ़ा था। उसमें तुम्हारे पास दो नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन है, ये तुम्हारा अभी हम लोग बात करेंगे। ये तुम्हारे पास एकदम दिमाग में सेट हो गया। आप लोग जो है आठ नंबर बनाएंगे तो आठ का वो एक रखेंगे और आठ का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक में एक दो क्वेश्चन जो है पैरेलल पैरेलल चलाना होगा, क्या चलाना होगा, क्या चलाना होगा। अगर पैरेलल पैरेलल चला लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि उसमें क्वेश्चन जो है, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं क्रिएटर सुपर थर्टी में पढ़ते हैं, क्रिएटर का मतलब होता है क्वेश्चन भी क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन भी क्रिएट करते हैं। अरे एनसीईआरटी में 14 ऑथर है, हम लोग भी तो 14-15 है, तो हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे, करने आ गया क्वेश्चन, मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन कहते हैं, जैसे डिविजुअल है, अगर बुक वाला क्वेश्चन अगर आपने आर डी शर्मा क्वेश्चन बना रहा है वो 12 से डिविजुअल किया है तो बोलेगा 12 नहीं, हम तो 11 से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, 11 छोड़िए हम तो 13 से करने वाले हैं, बोलो हाँ चाहे ना। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। तो अगला पड़ाव हम लोग जो जा रहे हैं वह ध्यान दीजिए, वह हमारे पास है ट्रिकोटोमी, क्या है ट्रिकोटोमी। क्वेश्चन में बताऊंगा कि इतने नंबर क्वेश्चन को आप देखें आपको क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहे बढ़िया से। ट्रिकोटोमी देखो यार, मैंने एक बार सवाल में जाता है समझ लेने, वहां जो रिलेशन जो होता है वह ट्रिकोटोमी, अगर ईमानदार होगा तो समान बराबर देगा, बेमान होगा तो कम देगा, कम देगा, और दिलदार होगा था ऐसी, बोलो हाँ चाहे ना। तीन सिचुएशन होगा, कितना सिचुएशन होगा, कौन कौन बोलो जल्दी, बेमान है, लेस है, बोलो यार, ईमानदार है, ईमानदार नहीं दिलदार है, ईमानदार है, ईमानदार तो इक्वल होगा, नगर नहीं, इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बोलते चलूंगा। एक नंबर मैंने लाइन बाय लाइन करवा दिया था, पिछला वीडियो आप देख लीजिए, एकदम लाइन बाय लाइन है, एक डाउट को मैं इधर से उधर नहीं होगा। तो अब तुम्हारे पास मासला चाहे लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल देन हो, पहले इक्वल में हम बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, आइए इक्वल में बात करते हैं, इक्वल में बात करते हैं, इक्वल में बात करते हैं, इक्वल में अगर ए और बी है, ए और बी है, उसमें भी बीच में रिलेशन बनाना है, क्यों बनाना है रिलेशन, और दोनों का पावर सेम हो, दोनों का पावर सेम, इसे बोलो दोनों का पावर सेम, दोनों का पावर सेम, दोनों का पावर सेम, तो वह रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा,
क्या क्या होगा जल्दी उत्तर? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिशन। क्या क्या होगा जल्दी उत्तर? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिशन। दोनों का पावर बराबर हो, दोनों का पावर बराबर, क्या क्या होगा जल्दी उत्तर? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिशन। क्या क्या होगा जल्दी उत्तर? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिशन। आंख बंद करके मार देना, आंख खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, आंख खोलना। अरे रुको, यहाँ पर देखो ना यार, तो यहाँ पर दोनों का पावर बराबर हो, 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 तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्या क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? लेकिन लेकिन बराबर है, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट नहीं दिखला है, करती है एकर डी है, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? आरआर होगा, एसआर होगा, एसआर होगा, टीआर होगा, यानी फाइनल हो गया, ईआर होगा, इंजीनियर बन गया। क्या बन गया? अरे इक्वामेलेट्रिलेट चला, इंजीनियर बन गया। लेकिन यहाँ अगर हुआ, यहाँ अगर हुआ, अगर यहाँ अगर, तो ना तो ये आर आर हुआ, ना ये हुआ, क्लियर है? अब तुम कहोगे लेस वाला भी समझा दो ना सर, ये भी है, और दोनों का पावर बराबर हुआ, 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 दोनों का पावर बराबर हुआ। आरआर फेल कर जाएगा, आरआर फेल कर जाएगा। कभी कभी पिताजी तुमको खुश होगा तो बोलेगा, बाप बनने का कोशिश मत करो। यस सर, बोले बोले इसको राइट, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी नहीं। आदमी कभी कभी होता है बात लड़ा देता है, बोला है लड़ाई कोशिश, लेकिन क्या होता है, इंसान एक दूसरे को डरता है। तो यहां पर दोनों का पावर बराबर होगा, ए से बड़ा बी है, ए से बड़ा बी है, अब बी से बड़ा सी है, बी से बड़ा सी है, तो ए से बड़ा सी होगा कि नहीं? बोलो ना। अगर ये दोनों का पावर बराबर है, दोनों का पावर बराबर है, आरआर तो फेल होगा, सिमेट्रिक भी फेल होगा, लेकिन ट्रांजिटिव सही हो जाएगा। बोलो हाँ चैनल, जब पावर दोनों का क्या हो? सेम हो, पावर दोनों का सेम, 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 तो क्या क्या होगा जल्दी बताओ? रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं होगा, ट्रांजिटिव कब? जब पावर दोनों का सेम हो, पावर दोनों का सेम, पावर दोनों का सेम, पावर दोनों का सेम। वो दिक्कत क्या दिक्कत हुआ? अब यहाँ ए है और यहाँ पर पी पावर है, यहाँ बी है, इस पर पावर डी है, इस पर पावर क्या है? पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और ना ट्रांजिटिव होगा। वो दिक्कत, और जो लेस देन के लिए होता है, जो किसके लिए होता है? और ग्रेटर देन के लिए भी वही होता है, लेस देन ग्रेटर देन के लिए सेम होता है, लेस देन ग्रेटर देन के लिए सेम होता है। बोलो, पावर अगर सेम है, पावर अगर सेम, 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 तो वह क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। अब पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बोले यार, कोई दिक्कत? अब देखो कंबाइंड कर देते हैं, लेस देन इक्वल देन, लेस देन इक्वल देन, इसका मतलब लेस वाला भी रूल हो और इक्वल वाला भी रूल हो। बोलो हाँ चाइना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों कि अगर पावर सेम है, 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 तो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ये इससे बड़ा है तो ये कभी इससे बड़ा होगा? बोल रहे यार, और ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है। अगर पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है,
बोलो पावर सेम नहीं। अगर पावर सेम नहीं है पावर सेम नहीं। तो यह ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा और ना ट्रांजिटिव होगा। बोलो हाँ जाना प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू पर हो देखना तुम लोग अगर बुझवाने नहीं बना दिया यानी हमारे में दोष है। क्वेश्चन नंबर टू So that the relation R in the set R of real number defined as R is equal to जैसे कि अगर दोनों पावर ऊपर पर सेम अगर रहेगा ट्रांजिटिव हो जाएगा सर तो इसमें सर आप ये दोनों का पावर सेम है और इक्वल रहेगा तब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये नहीं ना ऊपर वाला आर आर हाँ तो इक्वल है ना इक्वल फ्लेक्सिबल हो जाएगा ना आप सर कौन सा कंडीशन सिमेट्रिकल होगा तो सिमेट्रिक कंडीशन इसमें ये लेस देन जब तक ग्रेटर देन रहेगा तो सिमेट्रिक नहीं होता मतलब अगर ग्रेटर देन रहेगा तो सिमेट्रिक ना लेस देन ग्रेटर देन के बीच में कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर हम आपसे उम्र में बड़े हैं तो कभी आपसे कमी नहीं तो सर कौन सा कंडीशन सिमेट्रिकल होगा अभी आएगा क्वेश्चन मैथ वो सिंपल में नहीं होगा इक्वल कंडीशन में केवल होता है। अभी क्वेश्चन नंबर आप दो कर लेंगे तीन कर लेंगे चार करेंगे तो आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा ठीक है। अब मैं दो नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ ध्यान दीजिए। अब बोलिए वापस ब्रैकेट के अंदर है a कॉमा b है सच दैट AQ है अब देख आप अभी तक तुम लोग नहीं बताया क्या बोलोगे गुरुजी पावर सेम नहीं है पावर सेम नहीं है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा प्यार से बोलोगे ना कुछ नहीं बोल दो क्या बोलो कैसे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ये लिखा होगा ना प्यार से ना बोलना है थ्योरी ने सीख लिया जी बुक को क्रिएट ना कर दोगे अब पढ़े सबको कैसे गुरुजी बताया बता दो जी पावर दोनों का सेम नहीं है पावर दोनों का सेम नहीं है पावर दोनों का सेम नहीं है एक का पावर एक नहीं जी एक का पावर दो नहीं सर बताए ना कि पावर सेम नहीं है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिमेट्रिक नहीं होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा तो दो नंबर क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया कि नहीं बन गया बोलो यार अब लेकिन बोर्ड में बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे तो यहाँ पर लिखोगे कि अगर पावर सेम नहीं है पावर सेम नहीं है तो ए ए का इक्वल कभी हो नहीं सकता है बोलिए जैसे यहां पर हमने डाल दिया ए और यहां दो का स्क्वायर डाल दिया चार बोले तो एक और चार कभी इक्वल हो सकता है यानी रिफ्लेक्सिव रूल को फ्लो नहीं करेगा अब तुम्हारे पास सिमेट्रिक काहे नहीं करेगा अगर एक से बड़ा या बराबर है चार तो ये चार कभी भी ऐसे लेगा तो यहां चार ऐसे कभी लेगा कंट्राडिक्टर जाएगा। अगला ट्रांजिटिव भी चेक कर लोगे बोलो हाँ चाहे ना तो क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ो क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ो पढ़ो चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स a कॉमा बी इज टू बी इक्वल्स ए प्लस वन बी इक्वल ए प्लस वन मैंने कल बताया था बस यहां देखना चालू कर दो ए का वैल्यू वन रखेगा ए का वैल्यू रखेगा वन टू होगा कि नहीं टू रखने पर क्या होगा जल्दी बताओ थ्री रखने पर क्या हो जाएगा फोर रखने पर क्या हो जाएगा फाइव रखने पर क्या हो जाएगा सिक्स रखने पर क्या हो जाएगा बोलो हाँ जाना सर मैंने कल बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताया था क्या बताया था क्या अपने आप से कोई प्यार कर रहा नहीं जबकि सबको प्यार करना है
रिफ्लेक्शन कब देता है? अपने आप से। अपने आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, थ्योरी है। अपने आप से। अपने आप 59 मिनट का वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका रिलेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से, नहीं नहीं जी नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया था जल्दी बताओ? आप से, वन टू को चाहता है, बोले यार वन टू को चाहता है, टू वन को चाहता है, चाहता है टू थ्री को चाहता है, नहीं चाहता है थ्री फोर को चाहता है, मजा आ रहा है कि नहीं है, फोर फाइव को चाहता है, नहीं चाहता, यानी सिमेट्रिक नहीं है, वन साइडेड प्यार है, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, वन टू को चाहता है और टू थ्री को चाहता है, तो वन को थ्री को चाहना पड़ेगा कि नहीं? बोल रहे यार, तो ट्रांजिटिव है जी, वन गया टू के पास और टू गया थ्री के पास, तो वन को थ्री के पास आना चाहिए था, तो यार ट्रांजिटिव ही नहीं है। यानी आपको कोई बुक चेक करने की, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आंसर इससे मिल रहा है तो बुक का आंसर सही है, बुक का आंसर सही है, हाँ न तो वो गड़बड़ है, आप गलत कहा, आपका कंसेप्ट ठीक है, करने आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर अब थ्री, थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर करो। सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट ए क्यू इज लेस देन इक्वल देन बी क्यू है, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है सर, ए और बी है मात्र। अरे भाई पावर सेम है, मैं यही तो बताना चाह रहा था, अगर पावर सेम है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, यही तुमको प्रूव करने के लिए कह रहा होगा, यानी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये प्रूव करना होगा। बोलो हाँ चाइना, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि नहीं? मैं तो नाले पर ताला मार रहा था। अरे ए के पावर वन और बी के पावर, मैंने पावर सेम की बात किया है, मैंने किसकी बात किया है? पावर सेम। किसकी बात? तो क्या ए क्यू और बी क्यू रहता तो काम नहीं होता? होता कि नहीं होता? अब बताइए कि एक नंबर तो पिछले क्लास के वीडियो में हो गए थे, आज तुम्हारे पास दो नंबर हो गए सहज ढंग से, तीन नंबर भी, चार नंबर भी, तो कब पांच नंबर कुछ बिगाड़ लेगा? पांच नंबर पढ़िए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर इक्वल देन बी क्यू। हाँ 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 हाँ, अभी कोई कोई प्रश्न पूछेगा? पूछेगा कोई पूछेगा? अभी देखो पावर क्या है, पावर सेम है, अलग अलग है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा? ट्रांजिटिव होगा? पावर है, बोलो यस या नो? अरे लेस देन ग्रेटर देन ट्रांजिटिव होता है, लेकिन पावर सेम होना चाहिए। पावर क्या मुझे? पावर डिफरेंट है, पावर क्या है? तो बोलो वही क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? बोलो हाँ चाइना। अब इस बार तुम लोग तो बताओ, 20-25 को क्वेश्चन लिख देगा कि नहीं लिख देगा? नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। आज कितना तारीख, कितना तारीख है, कितना तारीख है? आप देखिए इनका तारीख भी नहीं मालूम, यहाँ 27 कर देते, महीना कितना है, महीना कितना है? दो, 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 बस क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? अरे दूसरा तो होगा कि नहीं हो गया? अरे वो आप क्वेश्चन नहीं बना देते? बोलिए हाँ चाहे ना, बोलो हाँ चाहे ना। आप मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला वीडियो जो है आपको देखना जरूरी है, उसमें तभी मजा आएगा जब पहले वाले को भी आप देख लेंगे, क्योंकि लगातार ही देखने का चीज है, समझ गए कि नहीं? अगर आप लगातार देख देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एनसीईआरटी आपका एकदम लाइन बाइन क्लियर होगा, और जिस दिन एनसीईआरटी लाइन बाइन क्लियर हो गया तो रेफरेंस बुक कोई भी आपको फंसा नहीं, क्योंकि यही नहीं करेगा जी। अगला क्वेश्चन, कितने नंबर का मैं कर दिया था बोलो जल्दी? पांच तक खूब मजा आ गया कि नहीं? अब 16 तक मजा ले ही लेना है, अभी फिर थ्योरी चलेगा। छठा नंबर बोलो जी। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन एलिमेंट है, बोलो हाँ सर, हाँ बोलो सर, आर इक्वल्स 1, 2 आर इक्वल 1, 2 2, 1। देखिए अपने आप से तो प्यार किया नहीं, रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं,
सिमेट्रिक देखो, इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, देख रहा है। पहले एक एग्जांपल में बताया था, एक विद्यार्थी सो है, सुनो, एक विद्यार्थी बोला सर आप हमको देख रहे थे, मारे उसको एक चार, तू कैसे देखा कि हम तुमको देख रहे थे, तू हमको देख रहा था। बोलो आ जरा, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन, समझ में आया? ए बी को देख रहा है तो बी ए को देख, हम ना तू कहेगा कि हम ये कहोगे कि हाँ सर हम आपको देखे थे तो दूसरी बात है, लेकिन ये कह रहे हो कि हम आपको देख रहे हैं, यानी तू हमको देख रहा है कि हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बोल रहा यार, ये कौन सा रिलेशन हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। कौन सा रिलेशन हुआ? जल्दी बता, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। आगे बैठे बोलो। अब देखो मान लीजिए देखो, अगर ये तुम्हारे पास ये आर्मन मान लो, इसको आटो मान लो है, अब वन गया टू के पास, वन गया टू के पास, अब बताओ देखो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। वन गया टू के पास, अब विद्यार्थी मान बोला है यार हम भी सोते हैं, मत जाला सर को कल समझा ले गया। वन गया टू के पास, टू वह जाके सो गया, टू वह जाके सो गया, तो टू किसी के पास जाता तब वन को जाना पड़ता। आपको हम ट्रांजिटिव में क्या सिखाए, जल्दी बताओ। वन गया टू के पास, वन गया टू गया अगर थ्री के पास तो वन को थ्री के पास जाना होगा, वन गया टू के पास टू को भी कमल मोल उड़ा के सोता। आप बोलो ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव तो हो सकता है, आधी समझ यही क्वेश्चन दिया होगा, बोलो हाँ चाहे ना। बोले यार आए, लेकिन अगर ऐसे रहता आर थ्री, यहाँ ध्यान दो, आर थ्री रहता वन जाता टू के पास, यहाँ देखो टू गया थ्री के पास, तो यह जो है यह तो ना तो रिफ्लेक्सिव होता, ना सिमेट्रिक होता, ना ट्रांजिटिव होता, क्योंकि वन गया टू के पास, टू गया थ्री के पास, तो वन थ्री के पास नहीं गया, वन थ्री के पास नहीं गया। बोलो हाँ चाहे ना, क्लियर हो गया? गया तो यानी कहने का सेंस कि छह नंबर की क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बोलो हाँ चाहे ना। ट्रांजिटिव का स्पेशल केस क्या है, समझ में आया? हम गए किसी और के पास, वह रह गए, वह अगला क्वेश्चन सात नंबर बोलो। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल्स इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए यार, मैं आपको जो कहा लाइब्रेरी में गया, yes, ट्वेल्थ का बुक तुम भी निकाल लिया मैथ का, और ये बंदा भी ट्वेल्थ का बुक निकाल लिया। बोले यार सेम बुक निकाला तो दोनों का पेज क्या था? सेम था, दोनों का पेज सेम था। अब दोनों का पेज सेम था तो इक्वल होगा कि नहीं? बोलो यार। यस सर। लाइब्रेरी की बुक में नाम लिख दो, कैसे लिख दो? नहीं लिख सकते, वो तुम्हारा पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो अब देखो इक्वल, ये इक्वल हो गया, क्या हो गया? इक्वल में पेज बराबर है, इक्वल में पेज बराबर है, तो सर बताए थे इक्वल है, क्या है? इक्वल है। अब पावर सेम है, पावर सेम है, तो बोलो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? यस सर। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? यस सर। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? यस सर। और जब तीनों हो जाएगा तो क्या होगा? इक्वल कौन होगा? इक्वल। अब बोलो सात नंबर भी क्लियर हो गया कि नहीं? yes, मजा आ रहा है कि नहीं? yes, नहीं मजा आ रहा है? आ रहा है। अब थोड़ा सा अब कुछ कहानी भी चले, अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री के पीछे, किसके पीछे चलते हैं? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है पैरेलल, क्या आता है जल्दी बताओ? ये है पैरेलल, क्या है? पैरेलल। अगर ए पैरेलल है बी का, ए पैरेलल है बी का, बोलिए, तो आप फिजिक्स में सर बताए होंगे कि प्रत्येक वेक्टर अपने आप का पैरेलल होता है। बोलो हाँ चाहे ना, पढ़ाए कि नहीं? प्रत्येक वेक्टर अपने आप का पैरेलल होता है। क्या पढ़ा जल्दी बताओ? प्रत्येक वेक्टर अपने आप का पैरेलल होता है। प्रत्येक वेक्टर अपने आप का पैरेलल होता है। तो बताओ रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं? बोलो। यस सर। यानी पैरेलल लाइन रिफ्लेक्सिव है, बोलो हाँ चाहे ना। हाँ। एक बार सिमेट्रिक भी है, अगर ये इसका पैरेलल है तो ये इसका पैरेलल है कि नहीं? है सर। बोल यार। सर। अब
बताइए जी ए पैरेलल है बी का, बी पैरेलल है सी का, तो ए पैरेलल सी का होगा कि नहीं? यानी यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। 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 यानी यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है? ट्रांजिटिव। यानी सब गुण से संपन्न है, तो इसको क्या कहेंगे? इक्वावैलेंस रिलेशन। बोलो हाँ चाहे ना बोलो। अब तुम्हारे पास ये देखो क्या लिखा हुआ है, पर पेंडिकुलर। ये है ना जी। अब ये वाला ए है, ये वाला बी है। ए पर परपेंडिकुलर बी है कि नहीं? ऐसे देखिएगा तो बी पर ए है कि नहीं? yes, तो रिफ्लेक्सिव फेल हो गया कि नहीं? सिमेट्रिक हो गया कि नहीं? एक दूसरे पर है परपेंडिकुलर, बोलो हाँ चाहे ना। और ट्रांजिटिव भी आपका फेल हो गया। ट्रांजिटिव भी यानी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है, लेकिन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है। क्या क्या नहीं होता है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होता है, लेकिन सिमेट्रिक होता है। क्या क्या नहीं होता? जल्दी होता, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है, क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक। बोलो यस या नो। यह क्वेश्चन बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तुम लोग को जब 11th क्लास में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया था तो पैरेलल लाइन डायरेक्ट खींचना सिखाया था। आज नहीं खींचोगे तो हम बैठ के रोना पड़ेगा। यह लाइन था, क्या था? और एच कॉमा जी से पैरेलल खींचना था, एच कॉमा। मैंने बोला था पैरेलल के में कोई चेंजिंग नहीं होता है, पैरेलल में। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाई इज कल टू 2x + 4 है, 2x + 4। आप इसके कॉन्टेक्ट के लिए 12वें नंबर में देखें, 12वें या 14वें नंबर में देखें, आपकी कॉन्टेक्ट मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पर पूरा ज्योमेट्री से 12 या 14 में देखें तो इसमें पैरेलल खींचना है। क्या खींचना है? यहाँ पर यहाँ ax + abyहो जाएगा, ax + यहाँ पर h हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो यार, पैरेलल खींचा गया कि नहीं? बोलो यार। आपका क्वेश्चन यहाँ पर y = 2x + 4 है, 2x + अब बोलो इसके पैरेलल खींचना है, क्या खींचना है? तो आप आंख बंद करके नहीं खींचोगे तो हमें बहुत तकलीफ होगा। आंख बंद करके नहीं खींचोगे तो क्या बोलोगे? y - 2x, जो मन करे सो सर, जो मन करे सो। बोलो जी, 6 लिखा सर 7 लिखा, जो मन करे सो। सब बात सेम है, बोलो हाँ चाहे ना। अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन पढ़ाया था तो वो भी क्वेश्चन बताया था ax + by = आपका सी है, क्या है? सी है। तो परपेंडिकुलर लाइन में बताया था कि एक्स वाला वाई हो जाता है, वाई वाला एक्स, तो यहाँ पर ay - bx हो जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना। और एच कॉमा जी से खींचना था, एच कॉमा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ag हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? bx। ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी आपका लाइन पैरेलल कैसे खींचेंगे, परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, यह दोनों आपका क्लियर हो गया कि लाइन पैरेलल कैसे खींचेंगे और परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, यह क्लियर हो गया। बोलो हाँ चाहे ना। तो तुम्हारे पास 12वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा, 14वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, तनी एक बार सुन लो। बोलो 14वां नंबर क्वेश्चन। Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R equals L1, L2 such that L1 is parallel to L2. So that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y = 2x + 4. मैंने डिटो क्वेश्चन कहा कि नहीं? कह रहा है कि XY प्लेन पर, कौन सा प्लेन पर? एक L1 है, दूसरा क्या है? ये दोनों के बीच में, दोनों के पैरेलल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? तो साबित करेंगे कि ये इक्वावैलेंस रिलेशन है। साबित करेंगे कि, साबित करेंगे कि, साबित करेंगे कि, बोलो साबित करेंगे कि, साबित करना है कि यह इक्वावैलेंस रिलेशन है। साबित करना है कि, और y = 2x + 4 का जितना बन सकता है, जितना, तो पैरेलल लाइन सर खींचना सिखाए थे कि xy में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे खाली कॉन्स्टेंट जोड़ दीजिएगा,
जो मन करे सो सब वो पैरेलल जाएगा, क्या जाएगा? अगर स्लोप दोनों का सेम है तो पैरेलल जाएगा। 12 नंबर क्लियर हो गया, बोलो हाँ चाना। पर 14 नंबर क्लियर हो गया। अब देखो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर लाइन भी क्लियर कर दिए, तो तुम लोग नाइन्थ क्लास में, क्या क्लास में है टाइट राजी, नाइन्थ क्लास में क्या में पढ़ा होगा सर्वांशम, क्या पढ़ा होगा? अरे कॉन्गुरेंट, कॉन्गुरेंट क्या पढ़ा होगा? कॉन्गुरेंट क्या पढ़ा होगा? कॉन्गुरेंट। टेंथ क्लास में क्या पढ़ा था? सिमिलर। तो बोलो नाइन्थ पहले पढ़ाऊं कि टेंथ पढ़ाऊं? पहले ये देखिए मैंने बोला, अब बताइए ऊपर है दोनों पढ़ा दीजिए, दोनों एक बार में कैसे होगा? दोनों तो एक बार में नहीं होगा, ये आ रहा है ना सबको करने, क्योंकि देखिए आपको पास आना चाहिए कि एनसीईआरटी 16 क्वेश्चन है, 16 में देखिए सर ऐसे ऐसे है, तब तुम्हारे पास कोई भी बुक का क्वेश्चन बन जाएगा, इस बात की 100% की गारंटी है। अब देखो क्या था सिमिलर, लेकिन नाइन्थ क्लास पर पहले पढ़ोगे ना? अरे यहाँ देखते हो यार 12-13 नंबर क्वेश्चन में भाई बात कर रहा हूँ ना, 5-12-13 देखा हुआ, सब देख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो यही नंबर आया था। यस सर, इसको क्या बोलते हैं? सर्वांगशम। इसको बोलते हैं सम, सब अंग से समान, सब अंग से समान। ये भाई सब अंग से समान है, जैसे ही आई सब अंग से समान है, इक्वल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर यह जो है इक्वल की बात करेगा, किसकी बात करेगा? अब बोले यार क्या की बात करेगा? तो बोलो यह इक्वल बैलेंस रिलेशन है कि नहीं? बोलो ना, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं? बोलो ना, ट्रांजेक्टिव है कि नहीं? बोलो। लेकिन यही 10th क्लास में पढ़ना है सिमिलर, क्या पढ़ना है? सिमिलर। एंगल सेम हो, एंगल सेम हो, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल हो, साइड प्रोपोर्शनल हो। एक फिल्म में बोला कि मेरा एक दोस्त मिला, तो उसका बाप पूछा दोस्त कैसा दिखते हैं, सिमिलर का एग्जांपल दो। तो सिलेट पर फोटो बना लिया, सिलेट पर फोटो बना लिया और दिखाया, ध्यान दीजिएगा, तो बोला क्या कि ये आप जैसा दिखते हैं, तो बोले बेटा नहीं हम इनके जैसा दिखते हैं। समझ में आया? ये है माने कहने का सेंस कि सिमिलर जो वर्ड है, सिमिलर जो वर्ड, सिमिलर जो वर्ड, सिमिलर जो वर्ड है वह रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, बोले यार सिमेट्रिक भी होगा। जैसे हम और मंझले वाले भाई दोनों का फेस सेम, बड़ा कंफ्यूज कर जाता है, हमसे कभी कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि मेरा चावलवा कब दीजिएगा, चावल, और उनसे पूछ देता है कि आप कुछ वहां पर कब चलाइएगा, समझे उनका बिजनेस है चावल का, मेरा बिजनेस है कुछ का। अरे वो कल भैया आए थे आपके छोटे भाई लग रहे थे मैं नहीं आते। तो कहने का सेंस ये हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो वो सिमिलर हम लोग क्या है, सही में एक दिन हम जा रहे थे, एक आदमी बोला हमारा चावल कब दीजिएगा, चावल हमको मंझले वाले भाई चला, उसको फोन से बात करिए वो कब देंगे नहीं देंगे, क्या प्रॉब्लम है यार, हमको प्रॉब्लम कर रहे। तो कहने का सेंस सिमिलर समझ गए? अब बोलिए ना जी। यस सर। सिमिलर जैसे, अब सिमिलर यहाँ पर ब्रदर बताए तो उसी ढंग से सिमिलर ट्रायंगल होगा, मतलब एंगल सबका सेम होगा, बोले यार साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। नहीं वो बचवा कहते हैं, बचवा एकदम मामा जैसा है, फिर बोलता है दादा जैसा पर है, दादा के एकदम फेस पर गली है, कराया गया तो पढ़ा 12 या 13 नंबर देखा सिमिलर वाला क्वेश्चन है, लेसन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल आर T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर। अभी बताए ना T1 T2 जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, बोलो प्रूव कर देगा कि नहीं? अगला क्या आगे उसमें क्या है? कंसीडर थ्री दैट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड 3, 4, 5 T
with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which? देखिए अब ये कह रहा है सुनिए. हम हैं चार भाई. तो बड़ भाई का फेस थोड़ा अलग है, छोटा भाई का फेस अलग है. पहले समझिए सिमिलर का. हमारा और मंझले वाले का भाई का सेम एकदम डिटू है. मैं समझा. तो अब क्या होगा, यहां पर भी क्वेश्चन आ रहा है. ये है T1 पहला राइट एंगल ट्रायंगल है. देखना ध्यान देना, मैटर बहुत सीरियस चलता है. 5, 12, 13 है. 5, 12, 13 T2 है क्या? T1 ए है. 3, 4, 5 है. और हमको याद है, जान के मजा लेते रहते हैं. 6, 8, 10 है. देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी है, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल नहीं. सिमिलर है या नहीं है? कैसे सिमिलर है? ये दोनों सिमिलर है. साइड प्रोपोर्शनल में होना चाहिए. और 3/6 1/2 होलबा जी. और 5/10 1/2 होलबा. और 4/10 होलबा. तो ये दोनों सिमिलर बटे इतना. बट ये सिमिलर नहीं है. इससे भी सिमिलर नहीं है. है कोई जरूरी थोड़ी है कि एक घर में जन्म ले लोगे तो सिमिलरिटी आ जाएगा. गोरे नंद जसोदा गोरे तुमकत श्याम शरीर चुटकी देत हंसत ग्वाला देखत सब बलबी. ये जो है कृष्ण भगवान को वही सब करता था कि बताइए वो भी गोरा वो भी गोरा भाई भी गोरा और तू कहां से आ गया काला. तो यही बात तो है. वैसे भी आप देखिए अगर सेम का भी रहेगा, राम जी क्या थे? सामने थे. बहुत बार वीडियो बना देता है तो राम जी को पूरा गोरा कर देता है. लक्ष्मण जी गोरा थे. आप बताइए वो छोड़िए. आपको महाभारत में सबसे सुंदर नकुल को कहा गया है. उससे ज्यादा स्मार्ट तो नहीं. आप बताइए भीम भी तो उन्हीं का भाई थे जिनका कोई रूपे नहीं था. तो कहने का सेंस यह हुआ कि एक परिवार में अगर हुए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सिमिलर. सिमिलर का मतलब क्या है कि एंगल तो सेम होना ही चाहिए. एंगल और साइड का प्रोपोर्शनल होना चाहिए. बोलो हाँ चाहे ना. तो क्वेश्चन तुम्हारे पास 12 नंबर दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार. यानी T1 T2 से कोई रिलेशन नहीं है. T1 T3 से रिलेशन है. बोलो यार. तो क्या 13 नंबर नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे. So that the relation R defined in the set of A of a polygon as R P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides in an equivalence relation. What is the set of all element in A related to right angle triangle D with side 3, 4, 5? देखिए आप बताइए अभी जो बात हम कहें कि आप भी पॉलीगन बनाए हम भी पॉलीगन बनाए और ट्रेंगल ट्रेंगल दोनों ही बना देते और इक्वा बैलेंस करना है. क्या करना है? इसका मतलब क्या होगा कि टिटो घर बनाना होगा. आप किसी सेक्टर में चले जाओ कंफ्यूज कर जाओगे. हम पहला बार ससुराल गए हुआ सुन लो तो जाए हलवा 397 में चल गए 297 में गलती बजा दिल हुआ उधर से निकल रहा लेडी समझ गया बोला कौन लेकर नहीं बजाते हैं. फिर हमने कहा नहीं तो गड़बड़ हो गया. काहे वहां जो फ्लैट सबका है मकान जो है सबका सिमिलर है. सबका सिमिलर वो खाली बस नंबरे से आपको पता चलेगा. समझ गए. फिर हम बोले गड़बड़ हो गया. क्या हो गया? क्योंकि वहां जो बनाया जाता है किसी में जैसे बोकारो में
तो बोकारो में सेक्टर बाई सेक्टर एकदम डिटो सेम होगा न समझा, पेंटो सेम रहता है, आप कंफ्यूज कर जाओगे न समझा कि किनके यहाँ जाना है। नंबरिंग अगर नहीं तुम्हारा ठीक है तो पहचान दे दूसरे घर में चले गए, अब वो भी नहीं पहचाने तो नशा वाली करना चालू कर दो, कोई जल्द नहीं आया। तो सिमिलर का डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? उनका भी मकान सेम था, इनका भी मकान क्या था सेम, तो हम चले गए। अब वहां पर वही क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है कि 3, 4, 5 से रिलेटेड जितना पॉलीगन राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है उतना बनाते रह जाओ, तो बोलो बनाते ही रह जाएंगे। 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, बोलो हाँ चाहे ना, ऐसे करके बनाते ही रह जाएंगे, बोलो हाँ चाहे ना। तो आपने देखा 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर देख लिया क्या, उधर से 8 नंबर तक देख लिया था, बोल यार। यस सर। बोलो क्या टाइम हुआ है? उसका बैटरी भी खत्म, आज ही कंप्लीट कर दिया जाए नहीं ऐसे आप लोग भी थोड़ा हाथ पैर मारिए, बाकी क्वेश्चन हाथ पैर मारिए, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा।